बुंदेलखंड के 3 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान बांदा में जनसभा के बाद अखिलेश यादव महोबा के लिए रवाना भी हो चुके हैं। अखिलेश यादव का कहना यह है कि बुंदेलखंड की भारतीय जनता पार्टी, ये जनता जो है ना, वो सफाया करेगी बीजेपी का और इसके लिए वो तैयार दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव से बातचीत की है हमारे संवाददाता रतीश त्रिवेदी ने, क्या बात हुई है वो आप भी सुनिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपना रथ लेकर बुंदेलखंड में चुनावी शंखनाद कर चुके हैं, बांदा से महोबा की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारे साथ हैं। अखिलेश जी, आज बुंदेलखंड की 3 दिवसीय यात्रा पर आप पहुंचे हैं। बुंदेलखंड को डबल इंजन की सरकार ने विकास की गति दी है, ऐसा कहना योगी आदित्यनाथ और मोदी नरेंद्र मोदी का है। आप कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार बुंदेलखंड आते आते फेल हो गई। जो अभी तक जन समर्थन दिखाई दे रहा है, लग ये रहा है कि बुंदेलखंड की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। जो डबल इंजन की सरकार है, आते आते डीजल पेट्रोल महंगा, खाद महंगी, खाद मिल नहीं रही है, डबल इंजन की सरकार के इंजन फेल हो गए हैं और बुंदेलखंड यही पुकारता कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया। यहाँ बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई के कारण किसान आर्थिक संकट में फंसा है, बांदा में भी किसानों ने आत्महत्या की है, यहाँ भी आत्महत्या हुई है। जब पैदल चल करके मजदूर आए थे, जिन मजदूरों की जान गई, अगर किसी ने मदद की थी तो समाजवादियों ने मदद की। मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार में बैठे लोग उनकी मदद के लिए आगे क्यों नहीं आए। जो मजदूर घर नहीं पहुंच पाए, परिवार से नहीं मिल पाए, उनकी जान चली गई, उनकी मदद क्या सरकार ने की। इसी तरह बांदा में, महोबा में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है, सरकार बताए कि उन्होंने किसानों की क्या मदद की है। इसलिए बुंदेलखंड की जनता पुकार रही है कि नहीं चाहिए उन्हें भाजपा, डबल इंजन आते आते यहाँ फेल हो गया है। नाम बदलने की सियासत पर आप काफी कटाक्ष करते हैं, लेकिन आप ही का नाम बदल दिया गया। उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जिंदावादी है और अखिलेश अली जिन्ना आपका नामकरण कर दिया। नाम बदलने वाले जो विश्व रिकॉर्ड बना रहे हैं, इस बार जनता उनकी सरकार बदल देगी और बदलाव की लहर में इनका पता नहीं लगेगा, क्योंकि इन्हें जवाब देना है जनता को महंगाई और बेरोजगारी का और किसान की बर्बादी का, वो जवाब नहीं दे पा रहे। अखिलेश यादव जी, एक ट्वीट हुआ है, केशव मौर्य ने आज ही ट्वीट किया है, कहा है कि काशी में और अयोध्या में तो मंदिर बन रहा है, अब मथुरा की बारी। ये भारतीय जनता पार्टी के पास धर्म के मुद्दे के अलावा कुछ नहीं बचा, महंगाई पे जवाब नहीं दे सकते। आज जब बुंदेलखंड में हम हैं तो सबसे ज्यादा महंगाई के कारण परेशान है किसान। आज सिलेंडर महंगा हो गया, इन्होंने कहा कि अन्ना पशुओं के समस्या का समाधान करेंगे, सड़कों पे बुल घूम रहे हैं, इन बुलों को कौन रोकेगा। इसलिए आने वाले समय में बुंदेलखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी, क्योंकि यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ मुद्दा प्यास है, यहाँ मुद्दा पानी है, यहाँ मुद्दा किसान है। अगर इसके लिए जवाब क्या है उनके पास। टीईटी पर आपने बड़ा कटाक्ष किया, आज हमला बोला है उत्तर प्रदेश टीईटी को लेकर के, आपने कहा है कि सरकार पेपर लीक करा रही है, आपने आरोप लगाया बड़ा। ये लीक इसलिए है कि कोई परीक्षा बिना लीक हुए पेपर के लीक हुए या बिना परीक्षा को टाले हुए अभी तक परीक्षा नहीं हो पाई है। और सवाल यही है कि सरकार नौकरी और रोजगार नहीं देना चाहती है, इसीलिए तमाम पेपर्स उन्होंने लीक किए। आखिरकार उन पे बुलडोजर कब चलेगा जिन्होंने पेपर लीक किया है। वो लोग क्या मुख्यमंत्री जी बुलडोजर लेकर के जाएंगे जिन्होंने परीक्षा को आज तक लीक किया है पेपर? क्या मुख्यमंत्री जी के पास वो बुलडोजर है जो लीक करने वाले पेपरों के ऊपर बुलडोजर चला सके? रथ यात्रा को आगे ले जा रहे हैं और अखिलेश जी से आखिरी सवाल, अखिलेश जी बस ये कि बीजेपी ने 6 यात्राएं निकालने की बात कही है, विजय यात्रा लेकर आप निकल रहे हैं और 6 यात्राएं वो निकालने जा रहे हैं। देखिए, अब यात्राएं जो चल रही है नकल करने वाली यात्राएं। तो इसी बातचीत से कुछ बड़ी खबर जो निकल करके सामने आई वो हम आपके सामने रखें। अखिलेश कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और अखिलेश ने आरोप लगाया है कि बुंदेलखंड आते आते डबल इंजन की सरकार फेल हो जाती है। बुंदेलखंड में बेरोजगारी, महंगाई और किसान परेशान है, बांदा और महोबा में किसानों ने आत्महत्या की है, पैदल चलकर जब मजदूर आए हैं तो उनकी मदद जो है वो सपा ने की थी, वो उस दौर की भी बात करते हैं। इसके अलावा बुंदेलखंड की जनता पुकार रही है कि नहीं चाहिए भाजपा। उप
मुख्यमंत्री केशव प्रसाद के बयान पर भी अखिलेश ने पलटवार किया है और कहते हैं कि नाम बदलने वाले विश्व रिकॉर्ड बना रहे हैं। इसके साथ ही अखिलेश कहते हैं कि जनता को महंगाई बेरोजगारी का जवाब बीजेपी को देना ही पड़ेगा। भाजपा के पास धर्म के मुद्दे के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। इसके अलावा पेपर लीक मामले पर भी कहते हैं कि जिन्होंने पेपर लीक किया है उन पर बुलडोजर कब चलेगा। तो अखिलेश यादव ने कट टू कट बुंदेलखंड पहुंचकर बांदा पहुंचकर जो एक्सक्लूसिव बातचीत की है बीपी गंगा से, उससे कई अहम बिंदु निकल करके सामने आते हैं। वही हम आपके पास रख रहे हैं, आपके सामने रख रहे हैं कि पेपर लीक का मामला हो, चाहे धर्म का मामला हो, या किसानों का, या फिर पानी का, हर एक मुद्दे पर वो सरकार को घेरते हुए दिखाई दिए हैं।